सीढ़ियों से गिरते हुए नजर आ रही हैं, क्या ये आपकी चाल है उनको गिराने की? जी हाँ, ये मेरी चाल है, ये रणवीर जी की चाल है, बिकॉज वो पता लगाना चाहते हैं कि जो शक बुआ जी ने डाला है इसके माइंड में कि वो चकोर ही है या फिर छाया है, छाया ही है या फिर चकोर है, तो ये जो उलझ गया है मामला, इसे सुलझाने के लिए उसको ये चाल चलता है। इसको ये कैरेक्टर ऐसा है कि इसको फर्क थोड़ी पड़ता है प्रेग्नेंट है या होगी अपने घर पे होगी, इसको तेल लेने के तो ही डजंट केयर। सो आपको जो डाउट है कि छाया ही चकोर है, वो कुछ क्लियर हुआ इतनी बड़ी साजिश करने के बाद भी? हाँ, अभी तो ये हुआ कि ये छाया ही है, चकोर नहीं है, तो चकोर ये बाजी एक तरह से जीत जाती है इसको, इसकी वजह से। बहुत इमोशनल मोमेंट है ये शो, जो पाँच साढ़े पाँच छः साल चला है, और स्पेशली मेरे लिए बहुत इमोशनल सिचुएशन है, क्योंकि एक कैरेक्टर जो पहली बार मैंने इस लेवल का एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाया और कोशिश की अपना बेस्ट करने की, इतना हार्डकोर देहाती कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर फर्स्ट टाइम मैंने किया है, और लोगों को ठीक ठाक लगा, तो एक इमोशनल मोमेंट है। अरे वो एंड थोड़ी मैं आपको बता सकता हूँ, फिर आप देखेंगे थोड़ी एंड में क्या होता है, ऐसे कैसे आप ये सवाल पूछते हैं? एंड थोड़ी मैं आपको बताऊंगा, आप मेरा टीवी देखेंगे क्या? एंटरटेनिंग होएगा एंड, बहुत अच्छा। वेटिंग फॉर इट। थैंक यू सो मच। घूंघट में मेरी माँ है और मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि आरवी ने मेरी नज़र में उनको गंदी आंटी बना रखा है, जो बच्चा चोर है। सो जो भी वो करती है, मुझे बचाने की कोशिश भी करती है, मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ। तो अभी अंजोर इज जस्ट हैप्पी क्योंकि उसकी शादी हो रही है, उसको ये सब गेम लग रहा है और ये सारे चीज़ें लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसको अटेंशन मिल रही है, बच्चों को अटेंशन बहुत अच्छी लगती है। सो सिंस आई एम प्लेइंग अ चाइल्ड, तो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी डॉल को भी डांस करा रही हूँ, एंड बट ऑब्वियसली एक अनकंफर्टेबल टच अगर बच्चे को भी आता है तो उसको लगता है, सो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, सो दैट्स व्हाई पुश हिम अवे और तभी गोली लगती है। तो बट आरवी फिर से बच जाता है, तो लेट्स सी अब मैं कब बचूंगी। मतलब जिस इरादे से आई है वो शायद हो नहीं पाया, इसकी गन भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, तो क्या अब माँ बेटी के गन ऑब्वियसली अंजोर को नहीं नजर आ रही, ना ही किसी और को नजर आ रही, बट ऑब्वियसली वो ट्राई कर रही है कि आर्मी को उस वक्त मार दे, लेकिन हो नहीं पाता है। अगली बार कोशिश करती हूँ तो मैं बीच में आ जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ डांस करे और गलती से मुझे लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कैसे भी करके वो मारते हैं लेकिन उनका निशाना छुप जाता है, सो लेट्स होप कि अगली बार उनका निशाना ना छुपे। I would like to say something before I started. When I came in, I was nothing. And I've learned a lot here. आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू। अगर कभी किसी का दिल दुखा हो तो सॉरी। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू उड़ान। आई होप दैट ये शो सालों साल चले। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट। और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं, एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है। सो आई विश ऑल द बेस्ट आप सबको, एंड थैंक यू। आज लास्ट डे है मीरा का और चकोर का। मीरा एज चकोर का आज लास्ट डे है उड़ान में, और ये दिन तो अभी शुरू हुआ है, एक्चुअली मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो यस, इट्स माय लास्ट डे। इट हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत अच्छे बीते मेरे 3 साल से ज़्यादा वाला वक्त। और जब आई थी तो कुछ नहीं थी, जा रही हूँ तो कुछ लेकर जा रही हूँ, बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ यहाँ से। एंड आई होप कि दिस ये जो शो है, ये इसकी यादें और जितना भी वक्त मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है वो हमेशा मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी, लाइक द बेस्ट ऑफ द मेमोरीज। वी हैव हैड अमेजिंग ट्रैक्स और
Hey, I have a producer of the show here. Why should I make you cry? You should be happy. So, come now, please. Please carry on, sorry. No, please come. You've never... Sir, Gurudev Bhalla. Sir, kya kahenge? Because Chakor se zyada hum unhe Meera ko miss karne wale sab pe. I think ye last day unka hai, but saath saath hamara bhi hai. आपका इसका भी लास्ट डे नहीं है, आपका भी लास्ट डे नहीं है, ये हमारे साथ ही है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये एक छोटा सा ब्रेक है और ये जल्द वापस आएगी, ये कहीं नहीं जा रही है. या एक छोटा सा ब्रेक है, नथिंग मोर देन अ स्मॉल ब्रेक. यस, ही हैज बीन अ वेरी गुड सपोर्टर फॉर अस. जब व्हेन वी केम इन, ही हैज ऑलवेज बीन अ गार्डियन फॉर अस. एंड so he always has this teddy bear hugs also that I'll miss. You'll not miss anything. Kahin ja nahi raha, main to bol raha hu ye break hai. Right, for the little break. Are khatam ho gaya, khatam ho gaya. Aise bhi matlab ye to bahut bada ye hai proof hai aapke samne ki tissue papers khatam hai. It's a very beautiful journey jo Meera ne kiya hai pichle 3 saalon mein. Jab ye aayi thi pehli baar, maine inse kaha tha ki hamare bachchon ne bahut acha kaam kiya hai और अब ये जिम्मेदारी इनके कंधों पे है और वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी वो वक्त बताएगा, इनकी मेहनत बताएगी. तो मैंने सबको ऐसे कहा था, तो इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा किया है. दे डिड, इन्होंने एक बोलते हैं दिल से काम किया, इन्होंने मन से काम नहीं किया है, इन्होंने अपनी मतलब सब कुछ दे दिया है. जो किसी भी एंटरटेनमेंट बिजनेस का एक असूल होता है कि आप सब कुछ दे दो फिर ऑडियंस के ऊपर है, वो लाइक करते हैं नहीं लाइक करते हैं, प्यार देते हैं नहीं देते. जो उड़ान को मिलती थी, लाइक अभी भले ऊपर नीचे हुआ हो, बट विजेंद्र और अमीरा के टाइम पे जो टीआरपी हो रही थी, हम टीआरपी पे बाइट्स करने आते थे. इन्होंने बहुत कमाल का काम किया. देखिए, टीआरपी इज अ बाय प्रोडक्ट, वो बाद में आता है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो काम की वजह से लोगों का प्यार मिला इनको. सो इट्स द लव ऑफ द व्यूअर व्हिच हैज कन्वर्टेड टू टीआरपी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा मानना है कि देखिए, अच्छा कंटेंट जहाँ भी आएगा, जब भी आएगा, वो चलेगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी नीयत अच्छी है. हम 4.5 साल से शो को चला रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, तो टाइम स्लॉट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल. और ऐसे कई बार शोज हुए हैं, पास्ट में भी हुए हैं, दूसरे चैनल्स पर भी हुआ है. कलर्स में ये इनफैक्ट पहला था कि उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई शो स्लॉट चेंज के बाद नहीं चला है, तो हमने चैलेंज लिया. हमें चैलेंज लेना पसंद है, जो दूसरे नहीं कर पाते वो हमने किया. इनफैक्ट उड़ान जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम शुरू कर रहे थे तो लोगों ने बोला था बंधुआगिरी होती नहीं है, अब 2014 में बंधुआगिरी दिखा रहे हैं, ये तो 70 और 80 में होता था. तो हमने ऐसे चैलेंज लिया. सो इट्स एक्साइटिंग टू टेक अप चैलेंजेस. उसी तरह से आई डोंट थिंक स्लॉट का फ़र्क पड़ा है. हम स्लॉट लीडर रहे भी हैं, अभी भी हम नंबर 2 पे हैं और बहुत कम डिफरेंस है फ्रॉम द कंपटीशन चैनल, एंड वेरी सून वील बी स्लॉट लीडर. तो वो मुझे यू नो आई डोंट थिंक आई लाइक टू से दैट कि स्लॉट की वजह से कुछ रेटिंग में फ़र्क पड़ा है. हम अपनी पूरी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे, तो वी विल बी द नंबर 1 शो ऑफ द GEC सेक्टर, नॉट ओनली द स्लॉट लीडर. थैंक यू सर. Lastly, कहीं नहीं जा रही आप, जाते जाते कहीं नहीं जा रही, हमारे साथ ही हमारी कंपनी में है. और उड़ान में भी शायद आप इसको दोबारा वापस देखेंगे. There are lots of twisted turns. Yes, so that's how we should stay optimistic and positive. And I hope कि आप लोग you'll keep giving love that you've always been giving. And yes, thank you. ऐसे कर देना, उठा उठा टेबल लगा ला, ये टेबल नहीं, इतना महंगा. तुम जा सकते हो.
It's, we really mean it, a big thank you for the last 3 years, the effort that you put in. It is phenomenal. We really value you a lot. And like I said, this is a break. This is not a termination of any kind. So, just a small celebration, small token from our side to you to show our love and affection for you. Thank you. Please do the honors. I would like to say something. Yes, you should. When I came in, I was nothing. And I've learned a lot here. आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू. अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो तो सॉरी. एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू उड़ान. आई होप दैट ये शो सालों साल चले. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट. और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं. एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है. सो आई विश ऑल द बेस्ट आप सबको. एंड थैंक यू. You deserve it. You love cakes, so you must eat the full piece. Yay! So. Thank you. Tissue paper. Tissue. You like cakes, no? Rameshji, sabko cake de do.